हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, इंडिविजुअली आपके पर्सन के लिए अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे, क्या कुछ हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में अगले 24 घंटे के अंदर। तो इस शफल डेक से हम निकालते हैं कुछ कार्ड्स। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का। आज के दिन में पार्टनर कुछ क्रिएट करने से पहले किसी सही टाइमिंग का इंतजार कर सकते हैं। आपके साथ इनका कनेक्शन है, आपसे बातचीत हो रही है, आप इनसे कुछ चाह रहे हैं कि ये कुछ चीजें करें, तो ये आपको भी इंतजार करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो अपनी भी लाइफ में कुछ बड़े स्टेप को लेने से पहले बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज्यादा सोच समझ कर सब्र के साथ ये चीजों को करना पसंद करेंगे। ठीक है, ये एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, जैसे वेट करें या दूसरों को सब्र करना भी सिखाएं। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यस, इनकी एनर्जी में पेशेंस है। आपके पर्सन करियर में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं 24 आवर्स के अंदर। किसी तरीके की प्लानिंग और बहुत शांति से चल रही है। ठीक है, ये प्लानिंग पैसे से रिलेटेड हो सकती है, सेविंग से रिलेटेड हो सकती है। ये कहीं इन्वेस्ट करना है तो पहले ये चीजें करते हैं, अभी इतना हो गया है फिर आगे इतना देखेंगे। इनकी एनर्जी में एक अजीब सी शांति रहेगी, ज्यादा किसी के साथ चपड़ चपड़ नहीं करना, लेकिन अपना अपने काम को मजबूत रखना, पुख्ता करना। ठीक, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड। आज के दिन में आपके पार्टनर बहुत खुश होने वाले हैं, कोई ऐसी चीज हाथ लगेगी इनके जो इनको रियल में हैप्पीनेस दे। या ऐसी कौन सी चीज हाथ लगेगी, या तो इनकी कोई पुरानी चीज इनको मिल जाए, कुछ खो गया था इन्हें मिल नहीं रहा था, तो वही चीजें मिलने की एनर्जी है जो इनके बड़े काम की थी। इनको कहीं से कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है, कहीं इनका कोई केस पेंडिंग था वहां पर हियरिंग इनके फेवर में हो जाए। ठीक है, ये भी एनर्जी है कि पार्टनर को जैसे अचानक से किसी बात की क्लैरिटी मिल जाए, कोई ग्रीन सिग्नल मिल जाए। ये कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहीं बीच पर जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने, वहां पर अपने आप को हील कर रहे हैं, बट इनकी एनर्जी अच्छी है, ये खुश रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ टेन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी बता रही है कि इनको ऐसा फील हो सकता है कि जिंदगी की जो सारी जिम्मेदारियां हैं दुनिया की, वो सारी इनके ही कंधों के ऊपर है, इनके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। बहुत ज्यादा बोझिल फील करेंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने की वजह से, ऐसे कि एकदम ढो रहे हैं, सिर्फ एक बोझ अंदर ही अंदर ढोते जा रहे हैं, पता नहीं कितनी दूर तक जाएंगे, लेकिन बस इनका काम है उस बर्डन को लेके चलना। ठीक है, थका हुआ फील करेंगे, निराश फील करेंगे। नेक्स्ट इज पेज ऑफ सोर्ड्स। ये आपके ऊपर नजर रखने वाले हैं, आपको स्पाई करेंगे। इवन यहाँ पर एनर्जी है आपके पर्सन की कि ये आगे से बढ़कर कम्युनिकेशन करने का इनिशिएटिव या डिसीजन ले सकते हैं आपसे, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ये अगर काफी समय से चुप हैं तो ये अचानक मुंह खोलेंगे अपना। ठीक है, इवन यहाँ पर एनर्जी है कि किसी चीज पर तुरंत एक्शन लेना जो ये काफी समय से नहीं कर पा रहे थे। जैसे ये ऑफिस में बहुत काम कर रहे हैं, ये लोग इनका तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इससे बहुत काम लेना है, या लोग इनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुरंत ये बोलेंगे कि देखो भाई ऐसा नहीं चलेगा, मैं कोई पागल वागल नहीं हूं, मुझे भी सब पता चल रहा है। मतलब इस टाइप की एनर्जी की आगे बढ़कर अपने आप के लिए भी खड़े होंगे और बोलेंगे। एंड द लास्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ टू ऑफ सोर्ड्स। पार्टनर आज के दिन में किसी सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, इवन दो यहाँ पर वाइब्स ऐसी हैं कि कंफ्यूजन एंड हो सकता है इनके इनिशिएटिव लेने से, दो में से एक सिचुएशन ये खत्म कर सकते हैं। ठीक, सो गाइज, ये थी आपके पर्सन की अगले 24 घंटे की एनर्जी। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।